नमस्कार दोस्तों, टेकोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूँ संदीप। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है। अगर आप सैलरी पर्सन है, आपको महीने महीने सैलरी मिलती है, या फिर आप सीए है, या किसी भी प्रोफेशन में है। प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि जो काम करने से आपको इनकम होती है, तो इस पे एक टैक्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स। वैसे ये टैक्स सब स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट है जहां पास आपको प्रोफेशनल टैक्स देना होता है। मतलब आप जो भी पैसे कमा रहे हैं उस पे आपको गवर्नमेंट को एक हिस्सा देना होता है, तो उस टैक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स। तो ये टैक्स क्या होता है, कैसे लगता है, और इसके विषय में सारी जानकारी इस वीडियो में मैं एक एक करके आपको दे रहा हूँ। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको ये सारी कुछ एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे लीगल नॉलेज लेना है कंपनी के विषय में या बिजनेस के विषय में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में अपने सवाल भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोफेशनल टैक्स होता क्या है और किसके द्वारा लगाया जाता है। तो प्रोफेशनल टैक्स, जो भी आदमी पैसे कमा रहा है, मैंने पहले ही कहा, जो भी आदमी पैसे कमा रहा है जिस काम को करके, तो उस आदमी पे प्रोफेशनल टैक्स लगता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए हो सकता है कि आप किसी स्टेट में हो जहाँ पास प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता हो, या फिर ऐसे भी स्टेट है जहाँ पास प्रोफेशनल टैक्स लगता हो। ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे। इसके लिए कोई ऐसी मतलब बाधा नहीं है कि अगर आपके पास लगना ही है या नहीं लगना। तो ये आपको पता करना होगा कि कौन कौन से स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स लगता है। जैसे अभी महाराष्ट्र है, उसमें भी प्रोफेशनल टैक्स लगता है, कर्नाटक में भी प्रोफेशनल टैक्स लगता है, आपके तमिलनाडु में भी लगता है, मध्य प्रदेश में भी लगता है, वेस्ट बंगाल में भी लगता है। तो इन सबको मैं अभी वीडियो में बताते रहूँगा कि कहाँ कहाँ लगता है, तो आप उसको देखते रहिएगा। तो प्रोफेशनल टैक्स वैसे होता है जो आपकी अर्निंग पे, जो आप पैसा कमा रहे हैं जिस काम को करके, तो उस पर लगता है। चाहे आप कोई भी काम करें, आप डॉक्टर हो, चाहे आप सैलरी पर्सन हो, चाहे आप सीए हो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई भी हो, जो काम से आपको पैसे आ रहे हैं, यानी आपको क्या करना है, उस पर आपको प्रोफेशनल टैक्स देना है ना। दोस्तों, अब दूसरा सवाल होता है कि क्या ये टैक्स जो है अलग अलग होता है, या कैसा इसका स्लैब होता है। तो दोस्तों, प्रोफेशनल टैक्स जो होता है, पहला तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, और इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये साल के 2500 रुपए से कोई भी ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। मान लीजिए मैं 1 लाख कमाता हूँ एक साल में, आप 10 लाख कमाते हो, तो भी आपको उतना ही पैसा देना होगा जितना कि मुझे देना होगा। अब इसमें भी एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए कि जो लोग कम पैसे कमाते हैं, तो गवर्नमेंट चाहे तो उस पर कम भी टैक्स लगा सकती है। मान लीजिए 1 लाख से नीचे जो कमाता है, तो गवर्नमेंट ने उससे साल के 1000 रुपये टैक्स ले रही है प्रोफेशनल टैक्स के रूप में, हो सकता है। और जो 1 लाख से ऊपर कमाता है, उससे मान लीजिए 2500 ले रही, लेकिन किसी भी हालत में 2500 रुपये साल से, मतलब एक साल में 2500 से ज़्यादा कोई भी हालत में गवर्नमेंट आपसे प्रोफेशनल टैक्स नहीं ले सकती है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कम ले सकती है, अगर आपकी इनकम कम है तो गवर्नमेंट ने अगर कम तय किया है तो कम ले सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही मतलब जानना आवश्यक है कि आपसे जो है टैक्स आपके स्लैब के अनुसार ज़्यादा तो लिया नहीं जा रहा, और अगर ज़्यादा लिया जा रहा तो भी किसी भी हालत में 2500 से ज़्यादा नहीं लिया जाता। और ये टैक्स मंथली मंथली देना होता है, तो ये हर एक मंथ आप समझिए 12 महीने में आपको हर एक महीने टैक्स, आपको प्रोफेशनल टैक्स देना होता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोफेशनल टैक्स जो है कौन इसको लेता है। तो मैंने आपको अभी 3-4 बार बता ही दिया, प्रोफेशनल टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाता है। तो ये सीधे तौर पे प्रोफेशनल टैक्स एक कमाई होती है स्टेट गवर्नमेंट की ना। दोस्तों, अब यहाँ पास जो मैं बताने वाला हूँ कि प्रोफेशनल टैक्स
किन किन लोगों पे लगता है, काफी लोगों पे लगता भी है, काफी लोगों पे नहीं लगता है। तो ये जो लिस्ट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ बगल में लिस्ट दिखाई देती होगी प्रोफेशनल टैक्स किस पे लगता है, तो मैं यहाँ पास कुछ का नाम भी ले लेता हूँ और इस लिस्ट में आप सारे चीजों को देख सकते हैं किन पे प्रोफेशनल टैक्स लगता है। तो सबसे पहले कंपनीज, कोई भी कंपनी है उस पर भी प्रोफेशनल टैक्स लगता है, कोई भी फर्म है उस पर भी लगता है, LLP हो जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन, सोसाइटी, HUF, एसोसिएशन, क्लब्स, कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर हो, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इंश्योरेंस एजेंट, CA CS जो भी सर्विस है, या फिर टैक्स कंसल्टेंट, मतलब कोई भी काम आप जो कर रहे हैं जो यहाँ पास दिया हुआ, इन सब पे जो है यहाँ पास देखिए डॉक्टर हो, मेडिकल कंसल्टेंट हो, या फिर डेंटिस्ट हो, या फिर सपोज कीजिए कि जो आदमी सैलरी है, जो आदमी को पेमेंट मिलता है मंथली का, तो उस पर भी प्रोफेशनल टैक्स लगता है। तो ये लिस्ट है, इस लिस्ट को आप देख लीजिए जिससे कि आपको मालूम हो जाए कि प्रोफेशनल टैक्स जो है किस पे लगता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो प्रोफेशनल टैक्स है इसका स्लैब क्या क्या है। तो यहाँ पास अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्लैब है, जैसे यहाँ पास मैं आपको पहले दिखाता हूँ स्टेट महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में आप देखिए, अगर मान लीजिए कि आपकी मंथली इनकम 7,500 रुपये तक है तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है महीने में। अगर आपका आप लेडीज से और 10,000 रुपये आपकी मंथली इनकम है तो भी आप पे टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7,500 रुपये से ज़्यादा होती है तो 175 रुपीज मंथली आपको टैक्स लगता है, और 10,000 से ज़्यादा हो तो आपको 200 रुपये लगता है, और साल के अंत में 300 रुपये लगता है। अभी जो कर्नाटक है, कर्नाटक में आप देख लीजिए एक ही स्लैब दिया गया है 14,999 का, जिसपे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता, इससे ज़्यादा होता है तो आपको 200 रुपये पर महीने लगता है टैक्स। इसके बाद वेस्ट बंगाल में देखेंगे, यहाँ पास आपके 5 स्लैब बने हुए हैं, 5ों स्लैब के अलग अलग है। मैं इसको एक्सप्लेनेशन कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपये तक का जो आपको इनकम होती है तो कोई भी टैक्स नहीं लगती है, लेकिन 10,000 से 15,000 रुपये आपको महीना में इनकम है तो आपको 110 रुपये का PT देना होता है, और 15,000 से 25,000 है तो 130 रुपये का PT, और 25,000 से 40,000 का है तो आपको 150 रुपये का PT देना होता है, और 40,000 से ज़्यादा है तो 200 रुपये का। तो यहाँ पास अब यहाँ मैंने 3 स्टेट के विषय में अभी दिखाया है, तो यहाँ आपको एक सिंपल सा बात है कि आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये टोटल स्टेट गवर्नमेंट का है। तो अगर कोई फिक्स नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट जितना टैक्स लेती है उसके हिसाब से ये तय किया होता है, ये चेंजेस भी हो सकता है। अभी और मैं एक दिखा रहा हूँ, जिसे यहाँ मध्य प्रदेश के भी आपको यहाँ अलग अलग जो है टैक्स के स्लैब दिए गए हैं, यहाँ मध्य प्रदेश के। इसके बाद तमिलनाडु का जो प्रोफेशनल टैक्स है इसका भी ये स्लैब मैंने यहाँ दिखा दिया है, क्योंकि एक्सप्लेन करने से थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, और कोई बात नहीं है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको देखना हो तो आप देख भी सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश का टैक्स स्लैब है जो जिसमें कि केवल 15,000 रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं है, 15,000 से 20,000 तक के बीच में 150 रुपये है, और 20,000 से ऊपर आपको 200 रुपये है। तो यहाँ पास गुजरात का और ओडिशा का ये आप देख सकते हैं कि इतने ये जो अलग अलग टैक्स है प्रोफेशनल टैक्स अलग अलग स्टेट के हैं। अब दोस्तों सवाल होता है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि प्रोफेशनल टैक्स जिनको नहीं देना है। तो प्रोफेशनल टैक्स नहीं देने के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पास कि जिनको जिनको नहीं देना, उनकी भी मैं आपको लिस्ट यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ऐसे लोग जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और मतलब 10वीं या 12वीं तक उनको प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, जो फोर्स वाले लोग हैं, चाहे वो एयरफोर्स में हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनको भी जो है मतलब देना नहीं होता है प्रोफेशनल टैक्स। इनकी कोई लिस्ट बनी हुई है, ये लिस्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से देखिए और पढ़ लें। इसके अलावा बहुत सारे जो नियम कानून है, जैसे एक सर्विसमैन है, हैंडीकैप है, जो हैंडीकैप जिनका 40% से मतलब ज़्यादा डिसेबल है तो उनको नहीं देना होता है। हाँ, उनको सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। इसके अलावा डीफ, डम और ब्लाइंड, माने जो लोग अंधे हैं या फिर मान लीजिए बहरे हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, तो उनको भी क्या है कि जो सैलरी में कोई भी प्रोफेशनल टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा जो फॉरेन टेक्नीशियन है, और भी काफ़ी चीज़ें जो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए है, तो आप अपने स्टेट में देख सकते हैं। मैं यहाँ पास आपको दिखा रहा हूँ, आप इसमें से जो आप हो
तो वो आप देख लो कि आपको देना है या नहीं देना है। तो ये जो है आपको मतलब मालूम हो जाएगा कि आपको देना है कि नहीं देना, मैंने लगभग डिफाइन की है। अभी देखते हैं कि जो प्रोफेशनल टैक्स जो है अलग अलग स्टेट का, तो मैंने आपको बता दिया कि सबका जो है अलग अलग स्टेट का आपको अलग अलग हिसाब किताब है। कोई भी ऐसा नहीं कि उस स्टेट में अगर 100 रुपया लगेगा तो इस स्टेट में भी 100 रुपया लगेगा, आपको स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है ना। दोस्तों अभी यहाँ पास काफ़ी आप लोगों के सवाल आते हैं जो प्रोफेशनल टैक्स, उन सब सवाल को मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो बोला गया है कि क्या ये जो यूनियन टेरिटरी होता है क्या वहाँ पास प्रोफेशनल टैक्स लगता है, तो यहाँ पास आपको बता दूँ कि जो भी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पास प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो सवाल है कि क्या प्रोफेशनल टैक्स भरना जरूरी है, तो बिल्कुल ही जरूरी है। अगर आप नहीं भरते हो तो पेनल्टी भी लगती है, और ये पेनल्टी जो है दिन के हिसाब से भी लगती है। तो ये दोस्तों एक वीडियो था जहाँ पास मैंने कोशिश की कि आपको प्रोफेशनल टैक्स के विषय में बताऊं, और उसके विषय में मैंने लगभग बहुत चीज़ें बता भी दिया है। और अगर आप इसके जो प्रोफेशनल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप अपने स्टेट के खोज सकते हैं जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ये समझने में आपको इससे आसानी होगी कि प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें आती है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कमेंट में जो भी सवाल होंगे वो आप बता दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। ऐसा टेक्स